हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप सोच रहे हैं आज हम क्या करने वाले व्लॉग में? वेल, आज मैं सोच के आया हूँ कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप सबको बहुत ही ज़्यादा मतलब थैंक यू बोलना है, क्योंकि मेरे जो दोनों वीडियोस थे उसको काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया। कितने ज़्यादा व्यूज़ आए फर्स्ट वीडियो को, तो मतलब सीरियसली टॉप क्या मोस्ट व्यूड वीडियो बन गया। उस पर कितने सारे कॉमेंट्स आए, और सिर्फ उस पर नहीं, मतलब लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया कि पिज़्ज़ा बनाओ, पाव भाजी बनाओ, पुलाव बनाओ। अब ये सारी चीज़ें बनेंगी लेकिन कुछ टाइम लगेगा उस चीज़ को, राइट? मतलब जब जिम में हम फर्स्ट डे पे जाते हैं तो सीधा हम 20 किलो का डंबल नहीं उठा लेते ना, पहले वो 3-4 किलो का उठा रहे, फिर 5-6, धीरे धीरे आगे बढ़ते। सो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बट डोंट वरी, आज के वीडियो में आई हैव डिसाइडेड कि थोड़ा तो मतलब एक अपग्रेड आना चाहिए। तो उस अपग्रेड के साथ बेसिकली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज। एक्चुअली स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं दो चीज़ें ट्राई करने वाला हूँ एक साथ बनाने की। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक वन बोल मील, लाइक साबूदाना खिचड़ी था या चिल्ला था या उपमा या पोहा। टुडे आई एम एक्चुअली गोइंग टू अटेम्प्ट पराठा और गाठिया का शाक। सो बेसिकली रिमेंबर मैंने चिल्ला वाले वीडियो में बोला था कि गुजराती को बेसन दे दो, उसका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब हो जाएगा। तो वही है, गुजराती एंड गाठियानू शाक, इट्स लाइक ऑल टाइम फेवरेट। सो टुडे आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट पराठा। सो बेसिकली जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि पराठा इज़ वन थिंग आई कैन हैव फॉर लाइक माई एंटायर लाइफ। मतलब मैं डिनर में सिर्फ पराठा खाते हुए बड़ा हुआ हूँ, एंड आई कैन स्टिल कीप ईटिंग पराठा लाइक फॉर एवर। सो आज मैं दिन में इसलिए पराठा बना रहा हूँ क्योंकि रात को यहाँ पे लाइटिंग इतनी खास नहीं है और गोप्रो से शूट करता हूँ मैं, तो वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट पराठा अने गाठियानू शाक। अच्छा, बिकॉज ये सारे वीडियोज़ ना मेरी मम्मी भी देखती है, मेरी बीवी भी देखती है, तो ये सारे वीडियोस में कुकिंग से ज़्यादा ध्यान उनका होता है किचन पे। जैसे कि मम्मी ने देखा था कि पापड़ का पैकेट खुला पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो शी कॉल्ड मी, पापड़ नो पैकेट अंदर मुकी दे रहे थे, पापड़ कड़क थे जैसे। सो आई डिड दैट। परंपरा ने देखा कि वेनिला एसेंस की जो बॉटल थी वो कई टाइम से प्लेटफॉर्म पे पड़ी थी जिसका कुकिंग में कोई यूज़ नहीं है फिलहाल, तो शी कॉल्ड मी, ये एसेंस अंदर रख दो, वाई इज़ इट लाइक लाइंग देयर, मतलब मैं वहाँ पे नहीं होता था, कुछ भी करोगे यहाँ पे किचन में। सो आई हैव डन दैट। एंड आई थिंक कुक करते करते ना वो एक चीज़ आ जाती है कि यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि मुझे क्या क्या चीज़ लगेगी, राइट? जैसे आज मैंने पराठा बनाना स्टार्ट किया तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स माइंड में आने लगे, कितने बर्तन चाहिए रहेंगे वो सब माइंड में आने लगा। सो नाउ प्रॉबेबली आई एम लाइक स्टार्टिंग टू लर्न कैसे प्रेपरेशन वगैरह करनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर कुकिंग, फॉर फिल्मिंग ऑल्सो, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग वरना मुझे बोलेंगे वो बॉटल वहाँ पे क्या कर रही है। सो आई एम लर्निंग, और हम स्टार्ट करेंगे पराठा की प्रेपरेशन से। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो बेसिकली पराठा बनाने का प्रेपरेशन इज़ वेरी इजी, ठीक है? मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो गेहूं का आटा लिया है, सो दैट वी विल बी पुटिंग। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब मुझे पता चल चुका है कि मेरा स्वाद अनुसार क्या है, सो 1 कप में ये आधा चम्मच से भी कम थोड़ा एक्चुअली मैंने नमक डाल दिया। ठीक से बंद करना पड़ेगा वरना मुझे फोन आएंगे। अभी इजी प्रोसेस, ये बेसिकली 1 टेबल स्पून जो है मुझे 2 टेबल स्पून लेके ऑयल डालना है इसमें, विच इज राइट हियर। ये गया 1 टेबल स्पून और ये गया 2 टेबल स्पून। अब क्या करना है, बेसिकली 4 टेबल स्पून पानी डालना है इसमें। सो उधर तो थोड़ी ना जाऊंगा मैं 4 टेबल स्पून लेने, तो मैंने ग्लास में भर लिया। इट डज फील लाइक केमिस्ट्री। ओके, ये 1 से थोड़ा ज़्यादा अब गिर गया इसमें, 1
दो तीन और ये चार, होपफुली इसमें हो जाना चाहिए, पर इनकेस नहीं हुआ तो हमें थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा। अब थोड़े हाथ करने पड़ेंगे खराब, और बेसिकली हम इसको नीड करना स्टार्ट करेंगे। कैमरा भी थोड़ा हिल सकता है, ठीक है, क्योंकि एकदम टच करके है। और ये जो नीडिंग प्रोसेस है ना, मैं इसको थोड़ा करने वाला हूँ फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि आज हम दो चीज़ बनाने वाले हैं और मुझे नहीं चाहिए कि ये वीडियो आधे घंटे का बने और फिर लोग देखें नहीं उसको पूरा। सो आई एम गोइंग टू फास्ट फॉरवर्ड दिस नीडिंग प्रोसेस, बट हाँ स्टे ट्यून, बहुत कुछ करना है आगे। सो अभी जो ये नेक्स्ट स्टेप करना है ना, टेक्निकली इजी होना चाहिए पर इतना इजी होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि मैं बना चुका हूँ पराठे 2-3 बार, सो थोड़ा आइडिया आ चुका है कि क्या करना है लाइफ में इसके साथ, इसके 3 पराठे अच्छे से बन पाएंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसके 3 अलग अलग क्यों है यानी घूरना बनाओ तो बड़े ऑलमोस्ट से ठीक है। अभी थोड़े गोले बनाएंगे इसके। तीन ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं। अब मैं करूँगा जो मेरी मम्मी करती है, वो है ये। प्रिटी इजी, खुलेंगे थोड़ा दबाएंगे और स्क्वायर बन, स्क्वायर या गोल जो भी कहना है आपको। बेसिकली प्लेट लूंगा मैं, उसमें तीन पराठे रेडी। बेसिकली ना अभी पराठे की ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो गई है, द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू उसको सेक लेना है। तो अभी जो मेरे पास वो तवा है ना, वो तवा को गर्म होने बहुत टाइम लगता है, बिकॉज़ एक तो वो मोटा भी है एंड सेकेंड वो जो स्टव है वो इलेक्ट्रिक वाला है, तो उसको भी गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। सो मैं अभी वहाँ पे उसको छोड़ दे रहा हूँ थोड़ा टाइम, लाइक 2-3 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। एंड मीनवाइल जो मैंने अभी सीखा है इतनी सारी कुकिंग के बाद, कि जो चीज़ें नहीं चाहिए वो या तो धो लेंगे या वापस रख देंगे। सो जो वो मैट है या फिर ये बेलन है, सारी चीज़ें या तो हम धो के वापस रख देंगे या फिर उसको डिश वॉशर में डाल देंगे ताकि वो बीच में ना आए। एंड जो हम गाठिया की सब्जी बनाने वाले हैं उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कल मैंने मम्मी से बात की, उन्होंने कहा कि साथ में मत करना, गाठिया का शाक हो जाएगा फास्ट, और फिर अगर उसको जल्दी से जल्दी नहीं खाया तो उसका हो जाएगा लोंदो, सही जाए लोंदो, इनो भावे ठंडो ठंडो। उसका ट्रांसलेशन आप कर लेना, मुझे नहीं आता कैसे बोलते उसको हिंदी या इंग्लिश में। बट अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम जाएंगे पराठा बनने के बाद गाठिया की सब्जी बनाने, उससे पहले हम वो नहीं करेंगे। सो लेट्स गो टू सेकना। तो तवा हो चुका है गरम, घी हमने रखी है यहाँ पे,
और हमारे पराठे भी रेडी है बनने के लिए. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज पुट सम घी. डाल दिया घी, थोड़ा इधर उधर भागेगा, इसको भागने मत दो. गरम तो हो गया क्योंकि स्मेल आ रही है मस्त वाली. क्या करेंगे, जो पहला है इसको हम रख देंगे यहाँ पे और इसको सारा जो घी है वो ऐसे ऐसे करके ले लेंगे. इसमें प्रॉब्लम ये है ना, जब हम ट्रेडिशनल तवा में करते हैं ना तो घी डालते तो पूरा ऐसे नीचे तक चले जाता है, इसमें वो होता नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट साइड से, तो मैं ऐसे रखूँगा. और जो एक चीज़ चाहिए वो तो मैं भूल गया, वो है ये. मैं इसके ना ऊपर की साइड घी लगा दूंगा ताकि मैं जब इसको पलटू ना तो ये इधर उधर फैले नहीं. थोड़ा मतलब डिफिकल्टी हो जाती है पर ठीक है, पराठे भी खाने हैं, डिफिकल्टी भी नहीं चाहिए, कैसे होगा. ये हमने पूरे पराठे भी लगा दिया घी और थोड़ा एक साइड पे ये हो जाए फिर हम इसको पलटी मारेंगे. हो जाएगा, वो कैसे पता चलेगा मुझे भी नहीं पता, हम पलटियाँ मारते रहेंगे और हमें पता चल जाएगा. ये जब ऐसे ब्राउन हो जाता है ना उसका मतलब है कि ये हो गया है, और इसको और थोड़ा डार्क ब्राउन कर सकते हैं बट आई एम गोइंग टू लीव इट एज इज, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि ये जल जाए और हमारा पराठा कार्यक्रम हमको दो ही खाने पड़े. तो ये नीचे की साइड है, ये ऊपर की साइड है और हम इसको रख देंगे यहाँ पे. सो अब हमारे पराठे हो चुके हैं रेडी और ये रहा वो तीन मास्टरपीस. अब इसको मैं अकेले चाय के साथ खा सकता हूँ पर मैं वो नहीं करूँगा, मैं बनाऊँगा सब्जी. और अब हम जाएंगे सीधा सब्जी में बिकॉज़ इट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मॉम. मुझे कितना टाइम लगेगा वो देखना पड़ेगा. सो अब हम चालू करेंगे सब्जी बनाना गाढ़ियानू शाक. पहले लेंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा है कि ज़्यादा है ये, इतना ले लेते और चमचा भी ले लेते एक, इसको स्टर भी तो करना पड़ेगा हमको. चमचे को रखने के लिए बेसिकली ये डिश, जैसे कि ये जो तेल है अभी वो गर्म हो रहा है, हम अपनी
प्रिपेयर करके डालेंगे। काफी अभी इसमें जीरा नहीं डालना है आज, ऐसा कहा है हमने। बेसिकली ये हो गया, अब इसमें हमें डालना है, स्मेल तो आ रही है, बेसिकली स्मेल आने लगे उसके बाद इसमें डालना है पानी। और उसमें हमारे तीन अनमोल रतन, एक हो गया मिर्ची, दूसरा हो गया हल्दी और ज़्यादा नहीं डालते हैं क्योंकि गाठिया ऑलरेडी सॉल्टी होता है, वो ज़्यादा सॉल्टी हो गया तो वो हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। बेसिकली इसको मिक्स करके थोड़ा टाइम रहने देना है इसको, ऐसे करके। अब उसमें वहाँ क्यों देख रहे हो, यहाँ पे आ जाओ। सो बेसिकली इसमें जब थोड़ा ऐसे बॉईल आने लगेगा ना, वो टाइम पे हमें गाठिया लेके इसमें डाल देना है और उसको फिर थोड़ा टाइम और पकाना है और फिर सीधा उसको निकाल लेना है बोल में, ऐसा मुझे बताया है। और ये बॉईल तो ऑटो मतलब अभी से आने लगे, इट्स टू फास्ट। अच्छा है पराठा के साथ नहीं बनाया हमने, पर ठीक है थोड़ा उसको बॉईल होने देते हैं, जैसे ही वो हो जाए हम गाठिया लेके डाल देंगे इसमें। ठीक है, सब मुझे बोला गया है कि इसको थोड़ा ना कॉशन से डालना है क्योंकि ये उड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। छोड़ा तो नहीं उतना कुछ, चलो अच्छी बात है मेरे लिए। इसको हम ऐसे हिलाएंगे, वापस कर देंगे बंद और थोड़ा टाइम और रखेंगे। जैसे ये वापस से थोड़ा ऐसे बॉईल होने लगे हम इसको निकाल लेंगे। रेडी, ऑलमोस्ट रेडी। सो अभी जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए ना वैसी आ चुकी है। हम गैस को करेंगे बंद और हम लेंगे साणसी, इसको यहाँ रखना बेटर है। टाइम आ चुका है मोमेंट ऑफ ट्रूथ का, आज मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्ट नहीं लेके बैठा हूँ। आई होप मुझे उठ के वापस ना जाना पड़े, बिकॉज इट्स पकता है यार, एक बार खाना खाने बैठे तो। ये उठाया पराठा, ये लिया मैंने गाठिया का सब्जी, ये बढ़िया है। सो मैंने सक्सेसफुली और एक रेसिपी मास्टर कर लिया, क्या बात। तो मैं तो खाते रहूँगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। कोई फ्यूचर रेसिपीज़ के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट है जो मैं कर पाऊँ तो कमेंट कीजिए, इवन टिप्स एंड ट्रिक्स आर वेलकम। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी बजा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस आगे आए आपको पता चले। और ये सब होने के बाद अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो शेयर कीजिए। मजा आई गाठिया नु शाक ने बाखरी जो है ना।